नॉलेज इज पावर। और आज का जो हम लोग का टॉपिक है दैट इज अकाउंट्स में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अकाउंटिंग रेशियोज। तो ये जो अकाउंटिंग रेशियोज हैं इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये नवंबर वाला जो सीबीएसई बोर्ड का जो एग्जाम है उसमें आने भी वाला है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो आइए इसको हम लोग सबसे पहले स्टडी करते हैं कि अकाउंटिंग रेशियोज क्या होते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, अकाउंटिंग रेशियोज मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन टू फाइनेंशियल आइटम्स। अकाउंटिंग रेशियोज किसी भी दो फाइनेंशियल आइटम्स के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको यहाँ पे पता लगाने का कोशिश करता है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है सच एज, एग्जाम्पल भी मैंने दिया है सच एज द रिलेशनशिप बिटवीन करेंट एसेट्स एंड करेंट लाइबिलिटीज इज एक्सप्रेस बाई करेंट रेशियो। ठीक है, जो रिलेशनशिप है करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटीज के बीच में उसको करेंट रेशियो के जरिए उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पॉइंट नंबर टू है उसमें मैंने क्या लिखा है, उसमें मैंने लिखा है कि अकाउंटिंग रेशियोज आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। ठीक है, अकाउंटिंग रेशियोज इस तरीके से क्लासिफाइड होता है। तो चार क्लासिफिकेशन इसका पॉसिबल है, वन इज कॉल्ड एज द लिक्विडिटी रेशियो, द सेकंड इज कॉल्ड एज द सॉल्वेंसी रेशियो, जो तीसरा है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, और जो चौथा है उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और इनकम रेशियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट जो ये वाला जो पॉइंट है वो आप देख सकते हैं लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो क्या है, इट मेजर्स द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी, ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी को मेजर करता है। सेकंड देखिए यहाँ पे क्या है, सेकंड है कि सॉल्वेंसी रेशियो, इट मेजर्स द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको लिक्विडिटी रेशियोज जानना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए कंपनी का आपको पता करना होगा इसका सॉल्वेंसी रेशियोज। तो इसके बाद एक्टिविटी रेशियोज बिजनेस का नॉर्मल कामकाज के बारे में हम लोग को हाईलाइट करता है। तो इट मेजर्स द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, और जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं दे मेजर द एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने का जो एबिलिटी है उसके ओर इशारा करता है। तो हम लोग इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज के जरिए हम लोग बिजनेस का हर चीज का हर एक रेशियोज अलग अलग एंगल के तरफ इशारा करता है। तो लिक्विडिटी से हम लोगों को शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पता चल जाता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन हम लोग का सॉल्वेंसी रेशियो से लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, जबकि एक्टिविटी रेशियो से हम लोगों को बिजनेस का ऑपरेशनल एफिशिएंसी, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से बिजनेस का एबिलिटी टू जनरेट प्रॉफिट्स वो हम लोगों को पता चल सकता है। तो कंटिन्यूइंग विद द वीडियो, अब हम लोग सीखेंगे कि व्हाट आर करेंट रेशियोज अंडर द हेड ऑफ लिक्विडिटी रेशियो। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लिक्विडिटी रेशियोज द हेडिंग, उसमें मैं सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ करेंट रेशियो को। तो देखिए आप लोग सबसे पहले बहुत ही आसान कंसेप्ट है। तो व्हाट इज अ करेंट रेशियो, करेंट रेशियो इट इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन करेंट एसेट्स एंड करेंट लाइबिलिटीज। करेंट रेशियो इज अ रेशियो विच इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन करेंट एसेट्स एंड करेंट लाइबिलिटीज। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, करेंट रेशियो इज इक्वल टू करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लाइबिलिटीज, दिस इज द फॉर्मूला। अब करेंट एसेट्स वगैरह क्या होता है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। देखिए करेंट एसेट्स क्या होता है, करेंट एसेट्स के बारे में यहाँ पे आपको मिल जाएगा पूरा डिटेल्स, दोज एसेट्स विच जनरेट शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट, जो एसेट्स हम लोगों को शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करके देता है वो हो गया आपका करेंट एसेट्स। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्रीज हम लोग अक्सर इसको स्टॉक बोलते हैं। तो कंटिन्यूइंग विद द वीडियो, अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्वेंट्रीज मतलब हो गया अनसोल्ड स्टॉक, ये हो गया करंट एसेट्स, इसके अलावा कैश इन हैंड कैश एट बैंक, ये सारी चीजें हमारे करंट एसेट्स की कैटेगरी में आता है। फिर सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल मिला करके होता है आपका ट्रेड रिसीवेबल्स। उसके बाद होता है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, देखिए दोज एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस, जो एक्सपेंसेस आपने एडवांस में पे करके रखा हुआ है, ठीक है, वो एक्सपेंसेस होगी आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऑल दीज आर करेंट एसेट्स। इसके अलावा एडवांस टैक्स पेड, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसमें आता है आपका करेंसी होता है जिसका दूसरा नाम है करेंट इन्वेस्टमेंट्स, तो ये सब आ जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, जो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आप देते हो किसी को तो वो हो जाएगा। इसके अलावा एक्रूड इनकम एटसेट्रा, ऑल दीज थिंग्स आर कंसिडर्ड एज करेंट एसेट्स। इसके अलावा आपका यहाँ पे आएगा करेंट लाइबिलिटीज, तो देख सकते हैं आप करेंट लाइबिलिटीज क्या है,
मैंने उसको शॉर्ट में डिस्क्राइब किया हुआ है, दोज लायबिलिटीज, दोज लायबिलिटीज विच मस्ट बी रिपेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. वो लायबिलिटीज जिसको रिपेमेंट आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में करना पड़ेगा, उन लायबिलिटीज को हम लोग यहाँ पे शॉर्ट, हम लोग यहाँ पे करंट लायबिलिटीज बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप बोरोइंग्स किए हो, मतलब लोन लिए हो, तो वो हो जाएगा आपके लिए करंट लायबिलिटी. इसके अलावा ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स यानी कि सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है, बिल्स पेबल एक्सेट्रा, ये सब प्रोविजन, जैसे कि प्रोविजन फॉर टैक्सेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कॉल्स इन एडवांस, शॉर्ट टर्म एडवांस रिसीव, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ये सारी चीजें आपके लिए हो गया करंट लायबिलिटीज. अब हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. दोस्तों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे. इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. क्लोजिंग इन्वेंट्री 16,000, ट्रेड रिसीवेबल्स 14,000, ट्रेड पेएबल्स 20,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 18,000. दोस्तों अब हम लोग एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं. तो इसमें सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में करंट एसेट्स को निकालेंगे. तो करंट एसेट्स क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्लोजिंग इन्वेंट्री 16,000, ट्रेड रिसीवेबल 14,000, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 18,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000. तो इन सारे करंट एसेट्स को हम लोग जोड़ेंगे तो टोटल करंट एसेट्स आ जाएगा 50,000. इसके बाद करंट लायबिलिटीज में सिर्फ और सिर्फ ट्रेड पेबल्स दिया हुआ था 20,000. अब लोग करंट एसेट्स करंट रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. इसमें करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज होता है, जो कि हो जाएगा 50,000 बाय 20,000, दैट इज 2.5:1. आई होप आपको वीडियो समझ आया. अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो यू मे आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपका आंसर्स देने का कोशिश करूंगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.